हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो डिज़ाइन लेकर आए हैं वो सिंगल कलर के लिए है और ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेडीज़ जैकेट हो, कार्डिगन हो, बच्चों के स्वेटर हो, जेंट्स स्वेटर हो, शॉल वगैरह में आप इसको डाल सकते हो, ब्लैंकेट में भी। और इसको बनाना बेहद आसान है। ये डिज़ाइन 11-11 के मल्टीपल में फंदे लेकर बनाना होगा और 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने होंगे। जब हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो हम फंदे इस तरह से लेंगे 11, फिर 11, फिर 11 और लास्ट में हम 3 फंदे एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ये हमारा डिज़ाइन परफेक्ट बनेगा। देखिए, तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने टोटल 25 फंदे इसमें डाल लिए हैं, 11 के मल्टीपल में 22 और 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा, तो टोटल 25 फंदे इसमें डाल लिए हैं। और ये इसकी फर्स्ट रो है। ये देखिए, फर्स्ट रो में पहला फंदा, इसको चाहे उतार ले चाहे बुन ले, उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और ये जो दूसरा फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। देखिए, पहला फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर धागा अपनी साइड। ये देखिए, एक फंदा उल्टा, पहला फंदा उल्टा बुना, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा ये उल्टा। अब यहाँ पर हम फंदे, देखिए, दो फंदे घटाएंगे, दो का एक करेंगे, एक फंदा एक ही घटेगा, दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। जो पहला फंदा है इसको हम इस तरह से पलट देंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर बैक लूप से इस तरह सिलाई डालेंगे और धागा, देखिए, उल्टा फंदा बुना था तो अपनी साइड है, और इस धागे को हम, देखिए, इस तरह पीछे ले जाकर इसको सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर फंदा घट भी गया, बढ़ भी गया, जाली से फंदा पड़ गया और दो फंदे एक साथ बुने तो एक कम हो गया, तो फंदे हमारे इतने ही हुए, ना कम ना ज़्यादा। तो यहाँ पर दो फंदों का, देखिए, हमने एक बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पर सीधे फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन। देखिए, 3 फंदे सीधे बना लिए। चार, पाँच और ये 6। ये देखिए, यहाँ पर हमने जाली बनाई और दो फंदों को एक साथ बुना, तो दो का एक किया और जाली बनाई, तो फंदे तो हमारे पास इतने ही हो गए। और ये दो फंदों का एक फंदा बनाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बना लिए। अब धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक डिजाइन इसका बना लिया है, एक डिजाइन के फंदे यहाँ पर बना लिए। पहला फंदा हमने उल्टा बुना, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। उसके बाद यहाँ पर ये जाली है, फिर दो का एक किया और दो का एक बनाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे सीधे बनाए, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब सेम यही डिजाइन हम इसमें दोबारा बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर देखिए एक फंदा ये उल्टा हो गया, फिर धागा अपनी साइड ही रखेंगे, इस फंदे को इस तरह से पलट देंगे और बैक लूप से, देखिए, यहाँ से सिलाई डालेंगे और अपनी साइड धागा रख के इसको हम सीधा बुनेंगे, दो का एक करेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा घट भी गया, बढ़ भी गया, देखिए यहाँ पर ये जाली हो गई। अब हम 6 फंदे, देखिए, दो का एक किया, 6 फंदे सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमने सीधे बना लिए। फिर धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। ये देखिए, फर्स्ट रो इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड पर है और इसकी सेकंड रो बनाएंगे। ये पहला फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, तो ये दूसरा फंदा, देखिए, उल्टा है, इसको उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा है, इसको हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और यहाँ पर 8 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, उल्टी साइड से।
एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात फंदे हो गए। और अभी देखिए हमारे पास ये जाली है, तो जाली वाले फंदे को भी उल्टा बना लेंगे। तो ये आठ फंदे हमने उल्टी साइड से उल्टे बना लिए। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, ये फंदा सीधा है इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड, ये फंदा उल्टा है इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे और ये फंदा देखिए सीधा है इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, आठ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये जाली वाला फंदा आठ, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ये देखिए ये सेकंड रो इसकी बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब सीधी साइड पर है और इसकी थर्ड रो बनाएंगे। ये देखिए ये पहला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा ही बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा है इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड, ये फंदा उल्टा है इसको उल्टा बनाएंगे। तो ये तीन फंदे तो हमने बुन लिए। अब देखिए जो ये उल्टा फंदा है यहाँ पर, इसके बाद एकदम बाद हमें यहाँ पर जाली बनानी होगी हर सलाई में, जब तक ये फंदे हमारे जो सीधे हैं, एक एक फंदा कम होता जाएगा, कम ना हो जाए। तो ये धागा अपनी साइड है, उल्टा फंदा हमने बनाया, और ये देखिए यहाँ पर ये जाली वाला फंदा है, तो इसको हम सीधा बुन लेंगे अपनी साइड से। धागा रख के देखिए इस तरह से इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो ये जाली आ गई यहाँ पर, जो ये उल्टा फंदा है इसके पास ये जाली आ गई, और ये लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब हमारे पास ये फंदा है जिस पर हम फंदे घटा रहे हैं, तो इस फंदे को हम इस तरह से पलट देंगे, ऐसे लिया, और यहाँ पर हम दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, दो का एक हो गया। पहले हमने यहाँ पर देखिए छः फंदे सीधे बुने थे, अब हमारे पास यहाँ पर पांच फंदे हैं सीधे, एक दो तीन चार पाँच। हर सीधी सिलाई में देखिए हर एक फंदा सीधा कम होता जाएगा और जाली से फंदा इस साइड बढ़ता जाएगा। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, ये फंदा उल्टा है इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, ये फंदा सीधा है इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड, ये फंदा उल्टा, इसको हम उल्टा बनाएंगे, और ये देखिए इस फंदे के तुरंत बाद हम यहाँ पर जाली डालेंगे। ये फंदा उल्टा है और ये जाली वाला फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे जाली बनाते हुए। ये देखिए अब ये फंदा आ गया जिस पर हम फंदे घटा रहे हैं, तो इसको हम पहले तो पलट देंगे और फिर यहाँ पर दो का एक बना देंगे। देखिए दो का एक हो गया, अब हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। ये देखिए इस तरह से इसकी थर्ड रो बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड से इसकी फोर्थ रो बना लेंगे। यहाँ से देखिए फंदे दिखाई दे रहे हैं सीधे, जो फंदा सीधा है इसको सीधा बनाएंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये फंदा, एक फंदा सीधा है, बीच में एक उल्टा, फिर सीधा, इसी तरह से साइड में है, तो जो फंदा जैसा है फोर्थ सिलाई में उसको ऐसा ही बनाएंगे। ये देखिए अब इसकी सीधी साइड पर है और सीधी साइड से इसकी फिफ्थ रो बनाएंगे। पहला फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, अब ये जो सीधा है इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड, और यहाँ पर ये उल्टा है इसको हम उल्टा बना लेंगे। तो ये तीन फंदे हमने बुन लिए। अब इस फंदे को उल्टे बनाने के बाद यहाँ पर जाली बनाएंगे। जाली देखिए यहाँ से ये दिख रही है, तो यहाँ पर जाली बनाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड करके, ये फंदा सीधा, एक फंदा सीधा हो गया, दो दो फंदे हमारे पास यहाँ पर सीधे आ गए। ये जाली वाले फंदे हैं, बढ़ते जाएंगे और इस साइड फंदा कम होता जाएगा,
तो देखिए फंदा दिख रहा है, इसके साथ हम फंदा घटा रहे हैं हर सीधी सिलाई में। तो इस फंदे को हम इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद यहाँ पर दो का एक बना देंगे। ये देखिए दो का एक हो गया। अब यहाँ पर सीधे फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। अब फिर से यहाँ पर जाली बनाएंगे और ये फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये धागा अपनी साइड रख के एक फंदा सीधा, दो दो फंदे सीधे हो गए। अब इस फंदे के साथ हम फंदा घटाएंगे, इसको पहले पलट देंगे और फिर यहाँ पर दो का एक बना लेंगे। अब इसके बाद ये देखिए एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। ये देखिए इस तरह से इसकी हमने फिफ्थ रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। उल्टी साइड से इसकी सिक्स्थ रो बना लेंगे, जो फंदा जैसा है उसको ऐसा ही बनाएंगे। देखिए सीधी साइड पर है और यहाँ से इसकी हम सेवंथ रो बनाएंगे। पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे और ये फंदा सीधा है इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। तो ये तीन फंदे हमने ऐसे ही बुन लिए जैसे बुनते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जाली दिख रही है, एक जाली, दो और ये तीन, तीन जाली हम यहाँ पर बना चुके हैं। अब यहाँ पर इसकी चौथी जाली बना लेंगे। धागा अपनी साइड है, देखिए इस फंदे को सीधा बुन लेंगे अपनी साइड धागा रख के। एक फंदा सीधा बुन लिया, ये देखिए सीधा फंदा हमने बनाया, एक हो गया, दो तीन, तीन फंदे हमने सीधे बुन लिए और एक फंदा यहाँ पर जाली का आ गया। अब ये देखिए लाइन दिख रही है, तो इसके साथ हम फंदा घटा रहे हैं। पहले तो इसको पलट देंगे और फिर यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। देखिए एक एक फंदा कम होता जा रहा है, तो एक फंदा कम हो गया। अब हमारे पास सीधे फंदे रह गए तीन, एक दो तीन, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर बनाएंगे जाली, धागा अपनी साइड है, इस फंदे को सीधा बना लेंगे जाली बनाते हुए। एक फंदा हो गया सीधा, दो तीन, अब इस फंदे को पलट देंगे और यहाँ पर दो का एक बना देंगे। तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। ये देखिए इस तरह से इसकी सेवंथ रो बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड से जो फंदा जैसा है उसको ऐसा ही बनाएंगे। देखिए इसकी सीधी साइड पर है और सीधी साइड से इसकी नाइन्थ रो बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड और ये फंदा उल्टा। अब देखिए बनाएंगे यहाँ पर जाली, यहाँ पर जाली बनाते आ रहे हैं, तो यहाँ भी बना लेंगे। धागा अपनी साइड है, एक फंदा सीधा, एक हो गया, दो तीन चार, चार फंदे सीधे। अब देखिए ये फंदा है, तो इसको पहले हम पलट देंगे और यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा हम बना देंगे। तो देखिए दो का एक हो गया। अब हमारे पास दो ही फंदे हैं सीधे, सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। और अब इस फंदे पर यहाँ पर देखिए इस तरह से जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, दो तीन चार। अब देखिए ये फंदा है, इसके साथ फंदा घटा रहे हैं, तो इसको पहले पलट देंगे और फिर दो का एक बनाएंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। देखिए नाइन्थ रो हमने बनाकर इसकी कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी साइड से इसकी टेंथ रो बना लेते हैं।
अब सीधी साइड पर है और सीधी साइड से इसकी 11th रो बना लेंगे। ये फंदे जैसे बनाते आ रहे हैं इनको ऐसा ही बना लेंगे। ये फंदा उल्टा, अब यहाँ पर बनाएंगे जाली। धागा अपनी साइड रख के एक फंदा सीधा, दो, तीन, चार, पाँच, पांच फंदे सीधे। अब ये फंदा देखिए, इसके साथ फंदा घटा रहे, इसको पहले पलट देंगे और फिर दो का एक बना देंगे। अब हमारे पास एक ही फंदा है सीधा, इसको सीधा बनाया, फिर वही एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और फिर यहाँ पर जाली। ये फंदे सीधे, इस फंदे को पलट देंगे और दो का एक बना देंगे और फिर ये फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये देखिए 11th रो बनाकर इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए अब सीधी साइड से इसकी 13 रो बनाएंगे। ये फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे जाली, ये फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक तो जाली आ गई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः फंदे सीधे। इस फंदे को पलट देंगे और यहाँ पर दो का एक बना देंगे। ये देखिए अब ये सारे फंदे जो सीधे थे घट गए हैं। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। देखिए अब बनाएंगे यहाँ पर जाली इस तरह से, और ये फंदे जो सीधे हैं सीधे बनाएंगे और इस फंदे को पलटकर यहाँ पर दो का एक बना देंगे। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। ये देखिए 13 रो हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब जितने भी ये फंदे थे सीधे, यहाँ पर ये सारे घट गए हैं और ये देखिए इस साइड को हमने इनको बढ़ाया है तो फंदे हमारे पास उतने ही हैं। 13 रो इसकी हमने बना ली है। अब देखिए जाली, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सातवीं जाली जो है यहाँ पर है इसके सिलाई के ऊपर, तो 7 जाली इसमें हम डाल चुके हैं। अब 14 रो इसकी उल्टी साइड से उल्टी बना लेते हैं फिर दिखाएंगे। ये 14 रो इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। जैसे हम इस साइड को फंदे देखिए घटाते रहे हैं, अब सेम इसी तरह से हम इस साइड को इनको घटाएंगे। तो देखिए कैसे, अब हम यहाँ से इसकी 15 रो बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। अब धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर जाली नहीं बनाएंगे, जाली जो हमने बनाई है अब इस साइड को नहीं बनाएंगे, तो ये फंदे हम सीधे बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः फंदे सीधे हो गए हमारे पास। अब देखिए लास्ट में ये दो फंदे हैं यहाँ पर सीधे, तो इनको दो का एक बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे ये देखिए, पहले तो हम इस तरह से सिलाई डालेंगे इस तरह से और इन फंदों को पलट लेंगे। ये देखिए जो पहला फंदा था इसको हमने पीछे कर लिया, जो ये लास्ट वाला फंदा था इसको हमने आगे की साइड कर लिया इस तरह से, और ऐसे हम देखिए सिलाई पर डाल लेंगे। तो ये दोनों फंदे हमने पलट लिए हैं, आगे पीछे कर लिया, अब इनको दो का एक बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर एक फंदा कम हो गया। अब हम इस फंदे को बढ़ा भी लेंगे साथ के साथ, धागा अपनी साइड लेकर आएंगे और यहाँ पर ये धागा देखिए इस तरह से लपेट देंगे, तो ये जाली आ गई और ये फंदा उल्टा है, उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड, अब ये देखिए फंदा उल्टा है इसको हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे। अब यहाँ पर हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन,
चार पाँच छः। अब ये दो फंदे हैं हमारे पास, छः फंदे सीधे बना लिए, इनको हम इस तरह से सिलाई डालेंगे और पलट देंगे। तो ये फंदा देखिए पीछे, और जो पीछे वाला फंदा था इसको हम आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई डालकर दोनों को एक बना देंगे, दो का एक हो गया। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और यहाँ पर ये धागा लपेट देंगे। देखिए इस तरह से धागा अपनी साइड लेकर आएंगे और यहाँ से इस तरह से इसको लपेट देंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। ये देखिए इस तरह से इसकी 15 रो कंप्लीट हो गई है उल्टी साइड से, जो जैसे उसको ऐसे ही बना लेंगे। देखिए सीधी साइड पर है और सीधी साइड से इसकी 17 रो बना लेंगे। यहाँ से ये तीन फंदे तो हम ऐसे ही बनाएंगे, एक उल्टा, एक सीधा और एक ये उल्टा। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जाली बंद कर दी है, तो ये फंदे हम सीधे बना लेंगे। पहले हमने छः फंदे सीधे बनाए थे, अब हम पाँच फंदे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब देखिए इस फंदे के साथ हम हर सीधी सिलाई में फंदा घटाएंगे। तो पहले तो हम इसको इस तरह से पलट लेंगे, ये जो घटाने वाला फंदा है इसको हम इस तरह से आगे लेकर आएंगे और इसको हम पहले देखिए इस तरह से सिलाई में डालकर और दो का एक बना देंगे। देखिए यहाँ पर फंदा कम हुआ। अब जो ये जाली वाला फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे। अब जाली हमें इस फंदे के पास डालनी है, जो उल्टा फंदा है इसके पास हमें जाली बनानी होगी और सीधी सिलाई में। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, इस तरह से लपेट लिया, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। अब धागा पीछे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच फंदे सीधे। अब फिर से यहाँ पर दो का एक करेंगे, पहले तो इनको इस तरह से पलट देंगे, ये देखिए इस तरह से, और दो का एक बना देंगे। अब ये जाली वाला फंदा इसको सीधा बुन लेंगे और इसके बाद हम जाली बनाएंगे इस तरह से, एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक फंदा उल्टा। ये देखिए 17 रो हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब 18 रो उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे। देखिए सीधी साइड पर है और यहाँ से हम इसकी रो नंबर 19 बना लेंगे। उल्टा फंदा, धागा पीछे, सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सीधे फंदे हैं, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे। अब ये फंदा देखिए दिख रहा है, इसको हम पलट देंगे, आगे लेकर आएंगे और दो का एक बना देंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ से इस पहले इस तरह से फंदे घटे, अब हम इस साइड को देखिए घटा रहे हैं। उसके बाद देखिए एक, दो, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, फिर यहाँ पर जाली बनाएंगे इस तरह से, एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक फंदा उल्टा। फिर धागा पीछे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे, फिर दो फंदों को पलट देंगे और ये फंदा आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर दो का एक बनाएंगे। उसके बाद एक, दो, दो फंदे सीधे, फिर ये धागा लपेट देंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये देखिए इसकी 19 रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब रो नंबर 20 उल्टी साइड से, जो जैसे उसको ऐसे ही बना ली। देखिए 20 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो फंदा है ये वाला, पहले हम इसके साथ यहाँ पर फंदे घटा रहे थे, अभी हम इस साइड से इसको फंदे इसके साथ हम देखिए फंदा घटा रहे हैं। तो इस साइड से सारे फंदे जो सीधे हैं वो इसके घट जाएंगे। इसकी 8 सिलाइयाँ हमें और बनानी हैं। टोटल 28 सिलाई में ये डिजाइन कंप्लीट होता है यहाँ से ऊपर तक। तो इसकी 20 सिलाइयाँ हम बना चुके हैं, 8 और बनाएंगे। 8 सिलाइयों में देखिए एक, दो, तीन, चार, चार फंदे हैं हमारे पास, ये सीधे ही चारों घट जाएंगे।
तो जैसे हमने इस साइड को सारे फंदे घटाए, अब इस साइड को घटा रहे हैं। जैसे हम ये देखिए यहाँ से जाली बनाते हुए घटा रहे हैं। अब इसकी 8 सलाइयाँ और बना लेते हैं और उनको बनाने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि ये डिज़ाइन फिर हमें कैसे चेंज करना है। देखिए 28 रोज ही हमने कंप्लीट कर ली है और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम फिर से इसमें यही डिज़ाइन यहाँ से ये वाला रिपीट करने वाले हैं। ये देखिए एक डिज़ाइन इसका बन गया है। अब यही डिज़ाइन इसमें फिर से बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड और एक फंदा ये उल्टा। अब यही डिज़ाइन जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, देखिए ये फंदा जो है यहाँ से लेकर आए, अब यहाँ से, अब इसी फंदे के साथ हम ये सारे फंदे घटाएंगे। इसको हम पहले पलट देंगे और फिर यहाँ पर 2 का 1 बनाएंगे। उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पर जाली नहीं बनाएंगे, ये फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी साइड लेकर आएंगे, ये फंदा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। ये देखिए फिर से यहाँ पर फिर से यही डिजाइन इसमें डालेंगे। धागा अपनी साइड है, इस फंदे को पलट लेंगे, 2 का 1 करेंगे और उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। ये देखिए इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाते जाएंगे तो ये डिज़ाइन देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनेगा और इस तरह से ये दिखेगा। आप इस किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हो। देखिए 11 फंदों का और 28 सलाइयों का ये डिज़ाइन है, देख सकते हैं। ये ही फंदा है, इस फंदे के साथ हमें देखिए फंदे यहाँ पर घटाने होते हैं। ये देखिए ये जो फंदा है इस फंदे के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाइए और कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि हमारी बनाई डिज़ाइन आपको कैसी लगी। देखिए इसकी बैक साइड है, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस भी करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली किसी नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।